जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। नारा शहर में चुनाव प्रचार के दौरान हमलावर ने शिंजो आबे पर 2 गोलियां चलाई थी। पुलिस ने हमलावर को मौके पर ही गिरफ्तार भी कर लिया है। जापानी मीडिया का दावा है कि हमलावर यामागामी तेत्सुया जापान का पूर्व नौसैनिक है। शिंजो आबे की मौत पर प्रधानमंत्री मोदी समेत दुनिया के कई नेताओं ने दुख जताया है। पहले इंतजार किया, फिर गोली चलाई। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर कैसे हमलावर लोगों के बीच खड़ा होकर गोली चलाता है, एक एक वीडियो उसकी कहानी बता रहा है। आबे पर हमला कैसे हुआ, कैसे 4 सेकंड उनकी जान बचा सकते थे, ये इन तस्वीरों से समझिए। ये वीडियो उस वक्त का है जब शिंजो आबे जापान के नारा शहर में भाषण दे रहे थे। वीडियो में दिख रहा है कि आबे लोगों के बीच काले कोट पहने की स्टेज पर खड़े हैं और उनका भाषण चल रहा है। लोग भी वहां मौजूद थे। तभी हमलावर जो पहले से ही उस मौके पर मौजूद था उनके पीछे खड़ा था और आसपास के हालातों पर नजर बनाए हुए था। वो सामने आता है, देखिए कैसे ग्रीन टी शर्ट पहने और गले में बैग लटकाए ये हमलावर ठीक उसी जगह पर मौजूद होता है। उसके बाद आगे आकर एक गोली चलाता है। पहली गोली शिंजो आबे को नहीं लगती। वो हैरानी से पीछे मुड़कर देखते हैं। तभी हमलावर दूसरी गोली चला देता है। दूसरी गोली शिंजो आबे को लगती है और वो नीचे गिर जाते हैं। जैसे ही आबे को गोली लगती है तुरंत सुरक्षाकर्मी हमलावर को पकड़ लेते हैं और आबे को आनन फानन में अस्पताल ले जाया जाता है। यानी अगर पहली गोली चलने के बाद ही हमलावर को पकड़ लिया गया होता तो आबे बच सकते थे। अब जरा दूसरा वीडियो देखिए। ये वीडियो शिंजो आबे से हमले के ठीक पहले का है। आबे का भाषण चल रहा होता है और हमलावर उनके कुछ पीछे खड़ा होता है। आबे को सुन रहे लोगों और सुरक्षा कर्मियों को भनक तक नहीं थी कि भीड़ में खड़े शख्स के पास हथियार हैं। हमलावर काफी देर तक वहां खड़ा रहता है और आसपास सुरक्षा के सारे इंतजामों को भांप लेता है। शिंजो आबे पर हमले का एक और वीडियो भी सामने आया है जिसमें शिंजो आबे भाषण दे रहे होते हैं। तभी हमला होता है और वीडियो बनाने वाले का कैमरा हिलता है। बस 3 सेकंड के बाद ही सुरक्षाकर्मी हमलावर को पकड़ लेते हैं। हमलावर किस कदर बेखौफ होकर आबे पर गोलियां चला रहा था ये वीडियो से साफ देखा जा सकता है। जापान में चुनाव से पहले आबे पर हुए हमले में अगर सुरक्षा थोड़ी मुस्तैद होती और पहली गोली चलते वक्त ही हमलावर पकड़ा जाता तो जापान के पूर्व पीएम को बचाया जा सकता था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।